नमस्कार दोस्तों, आज हम मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी कैसे चेक की जाती है वो देखेंगे। वैसे तो मैंने मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं उस पर पूरा वीडियो बनाया है, जो ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और उस वीडियो में आप सबका बहुत प्यार भी मिला है। अगले वीडियो में हमने मल्टीमीटर के फ्रीक्वेंसी के अलावा सारे फंक्शन देख लिए थे, तो आज हम मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी कैसे चेक की जाती है वो देखेंगे। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर के पॉइंटर को हर्ट्ज पे रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने हर्ट्ज पे सेट कर दिया। ऊपर हमें जो के हर्ट्स दिख रहा है, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किलो हर्ट्स में आएगी। पॉइंटर को हर्ट्स पे सेट करने के बाद हमारे जो दोनों प्रॉब्स है उसको फेस न्यूट्रल या दो फेस होंगे उससे हमें टच करवाना है। जैसे हम वोल्टेज चेक करते हैं उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है। तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.050। 0.050 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी 50 है। ठीक है दोस्तों, 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किलो हर्ट्स में आ रही है। वैसे दोस्तों, सभी मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी चेक करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सही यानी कि अच्छी ब्रांड के मल्टीमीटर में ही चेक होती है। मैं आपको दूसरे मल्टीमीटर से भी फ्रीक्वेंसी चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम इस मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो ये पॉइंटर है उसको फ्रीक्वेंसी के सिंबल पे मैं सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी के सिंबल पे इस पॉइंटर को सेट कर दिया है। अब हम इससे फ्रीक्वेंसी चेक करके देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी शो होती है कि नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, दोनों प्रॉब्स को मैं फेस न्यूट्रल पर टच कर रहा हूँ, फिर भी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको ऊपर भी फ्रीक्वेंसी चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कोई भी फ्रीक्वेंसी हमें शो नहीं हो रही, यानी कि जो अच्छी ब्रांड का मल्टीमीटर होगा उसमें ही फ्रीक्वेंसी शो होगी। दोस्तों, हमें मेन सप्लाई की ही फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। मेन सप्लाई की फ्रीक्वेंसी देखने के लिए ऐसे थ्री फेस मल्टीमीटर लगाए होते हैं। इस मीटर से हम कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। दोस्तों, बार बार डिजिटल मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी चेक करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसे थ्री फेस मल्टीमीटर लगाए होते हैं। वैसे हम मेन सप्लाई की फ्रीक्वेंसी डिजिटल मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।